हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज, आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं इस फोटो का ब्रेकडाउन। अब आपको लग रहा होगा ये फोटो मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके क्लिक की होगी, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की होगी, बट बहुत ही सिंपल है इस फोटो क्लिक करना। ऐसी फोटो कोई भी क्लिक कर सकता है, लेकिन सारा मैजिक इसमें एडिटिंग का है। एंड एडिटिंग मैंने कैसे किया इस फोटो को, यही बताऊंगा आपको इस वीडियो में, एंड वो भी जस्ट अपने फोन को यूज करके। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार होते हैं, सब्सक्राइब करो, ऐसी कमाल की वीडियो डालते रहता हूं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोटो को आपको क्लिक कैसे करना है। तो ये फोटो हमने इवनिंग टाइम में क्लिक किया था, एंड यहाँ पे बहुत मस्त एक कॉम्पोजिशन था, मतलब बहुत सारे पेड़ थे इस जगह पे, एंड ये जगह मेरे घर के आसपास ही है कहीं पे। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ मैं फोटोज वगैरह क्लिक करूँ, बट फाइनली हम यहाँ पे गए शूट पे। एंड मेरे पास उस दिन लकीली सॉफ्ट बॉक्स था अपना, मतलब फ्लैश लाइट वगैरह का पूरा सेटअप था, तो मैंने वहाँ पे फ्लैश लाइट का यूज़ किया, एंड बहुत ही अच्छी हमें वहाँ पे लाइटिंग्स मिल गई थी। एंड कैमरा सेटिंग आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से थी, एंड फोटो मतलब इन जनरल बहुत अच्छी आ गई थी, लाइटिंग फोटो में बहुत परफेक्ट थी। अब क्लिक करना बहुत ही सिंपल था, क्लिक हमने कर लिया था, लेकिन इसके बाद जब मैं इसको एडिट करने लगा, जैसे मैंने इस फोटो को ओपन किया, तो इसमें जंगल वाली फील आ रही थी, मतलब पीछे बहुत मस्त पेड़ दिख रहे थे, सिमेट्रिकल पेड़ थे बहुत सारे। एंड मैंने सोचा क्यों इसमें कुछ जंगल वाली टोन डाली जाए, तो मैंने इसमें डार्क फॉरेस्ट वाली टोन कुछ डाली। एंड उसके बाद मेरे को इसमें लगा कि यार थोड़ी सी ना अगर हम फॉग ऐड कर दें तो फोटो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है, तो बस फिर मैंने इसमें फॉग वगैरह ऐड किया, एंड फोटो हमारी बहुत ही कमाल की बन गई थी। अब चलिए बातें बहुत हो चुकी, आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली एडिटिंग का प्रोसेस कि कैसे आप भी अपनी किसी भी फोटो को इस टाइप से फॉग वगैरह ऐड करके एंड मस्त फॉरेस्ट टोन में एडिट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लाइटरूम मोबाइल से वहाँ पे अपनी फोटो को ओपन करते हैं। ओके सो भैया, हेयर वी आर इन लाइटरूम मोबाइल, एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फोटो है ना इसमें लाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमने फ्लैश लाइट का यूज़ किया था, एंड ऑब्वियसली लाइट ज़्यादा लगेगी, तो इसको हमें कम करना है। एंड वो कैसे करना है, सिंपली आपको जाना है ऐसे लाइट्स के अंदर, एंड इसका मैं हाईलाइट कम कर दूंगा, तो सी हमारी डिटेल्स वापस आ रही जो भी ओवर एक्सपोज हुई थी, तो बहुत सही है। इसका हम थोड़ा शेडो बढ़ा लेते हैं, एंड बस यहाँ पे आपको इतना ही छेड़ना, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना है। एंड इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ से इसका मैं थोड़ा सा ना टेम्परेचर जो है थोड़ा माइनस सेट करूँगा, क्योंकि हमें फोटो में ब्लू टोन रखनी है, एंड मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ये येलो लग रहा था, तो ठीक है आपको ये अपनी फोटो के हिसाब से कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ, आपकी फोटो जिस इन्वायरमेंट में जिस लाइटिंग कंडीशन में क्लिक हुई हो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना है, बट बेसिक फंड आपको पता लग गया कब क्या चीज़ छेड़नी होती है। तो इसका मैं वाइब्रेंस भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एंड अब आते हैं मेन चीज़ अपनी कलर ग्रेडिंग पे। तो यहाँ से जाएंगे इस पैनल के अंदर, कलर वाले के अंदर, एंड इसमें जो येलो कलर है इसका हम सैचुरेशन डाउन कर देंगे, इसके बाद जितने भी आगे कलर्स है सबको हम बिल्कुल ज़ीरो कर लेंगे, तो ये फोटो बिल्कुल एक डीसैचुरेटेड लुक में आ जाएगी। एंड मुझे पर्सनली इस टाइप की फोटो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं आजकल मोस्टली फोटोज में इस टाइप की टोन डाल रहा हूँ। तो अब चलते हैं स्किन के कलर में, एंड इसका मैं थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाता हूँ, इसका आप यू भी चेंज कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा प्लस के साइड रखता हूँ, एंड इसका आप चाहो तो लूमिनेंस बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी फेस थोड़ी सी डार्क लग रहा हो आपको तो आप इसको ऐसे ब्राइट भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा मत छेड़ना। ठीक है, तो इतना रखते हैं, एंड सही है इतना, डन, इसको भी डन करते हैं। एंड अब अपनी फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमें फोटो पोस्ट करनी है, तो 4:5 सबसे बेस्ट साइज़ रहता है इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे चलेंगे। एंड ये देखिए, ये 4:5, एंड फोटो हमारी 4:5 में सेलेक्ट हो चुकी है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, मतलब इतना क्रॉप कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट भी कर लेते हैं, क्योंकि पीछे पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, सो इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, एंड डन। अब भैया यहाँ पे हमारी फोटो में कलर ग्रेडिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि स्किन को स्मूथ करना, हेयर को एडिट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक अलग सी एप्लीकेशन का, जिसका नाम है एडोबी फोटोशॉप फिक्स, एंड इन सभी का लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं अपनी फोटो यहाँ से सेव कर लेता हूँ, एंड इसको ओपन करता हूँ एडोबी फोटोशॉप फिक्स के अंदर। ठीक है, सो भाई ये हमने एडोबी फोटोशॉप फिक्स को ओपन कर लिया, यहाँ पे सिंपली करेंगे प्लस पे क्लिक, एंड अपनी फोटो कर लेंगे सेलेक्ट, तो ये हमारी फोटो। इसमें सबसे पहले हम ना स्किन को स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किन थोड़ी सी रफ लग रही है इसमें, तो स्मूथ पे हम चलेंगे, एंड जस्ट हम यहाँ पे ऐसे पेंट करेंगे, तो ये आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा, तो सही है, स्किन हमारी स्मूथ हो चुकी है, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं डन। एंड इसके बाद अपनी फोटो में हेयर्स को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम लिक्विफाई पे चलते हैं, एंड ये पहला ऑप्शन है WARP वार्प, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, फोटो को जूम कर लेते हैं, एंड सी आपको जस्ट ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, मतलब ऐसे ड्रैग करना है, एंड आपके बाल उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे जहाँ पे आप ड्रैग करोगे, तो थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर आपको ड्रैग करना है, तब आपके बाल ज़्यादा उठ जाएंगे, तो पहले टैप करना है, होल्ड करना है, फिर ड्रैग करना है, सिंपल। तो मैं अपने बालों को अच्छे से सेट कर लेता हूँ, तो सी यहाँ पे मेरे बाल बहुत अच्छे से एडिट हो चुके हैं, आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, सो ये देखिए कितने मस्त हमारे बालों की लेंथ बढ़ चुकी है, जो कि सही लग रहा है, इसको कहते हैं डन। एंड यहाँ पे हम इस ऐप के अंदर ना डॉज एंड बन भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी यहाँ पे कर ही लेते हैं, उसके लिए हमें जाना थोड़ा सा आगे, एंड यहाँ पे देखिए लाइट का एक ऑप्शन है, लाइट एंड डार्क, पहले हम डार्क करेंगे, और इसका हम साइज़ देख लेते हैं, साइज़ अराउंड 50%, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो, ओपेसिटी अराउंड 20 के आसपास रख लेते हैं, ओके,
एंड अब हम कुछ कुछ पार्ट फोटो का डार्क करेंगे। अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि एक साइड से लाइट आए, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगे यहाँ पे फॉग आ रहा है कहीं से, जैसे जंगल में होता है कहीं से एक धूप आ रही है या फिर फॉग आ रहा है, और बाकी सारी पार्ट डार्क है। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लाइट आए, तो इसको हम डार्क नहीं करेंगे, हम इसके अलावा बाकी सभी पार्ट्स को थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो मतलब ये पीछे का पार्ट हम डार्क करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे पेंट करते हैं, और देखिए ये डार्क हो रहा है। तो इसकी मैं थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, बट आप इसकी ओपेसिटी कम करके ही करना ताकि आपका परफेक्शन से हो जाए। यहाँ पे जस्ट टाइम की लिमिटेशन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसको देखते हैं बिफोर आफ्टर, आप देखिए बहुत अच्छी हमारी फोटो में यहाँ से डार्कनेस ऐड हो चुकी है, एंड जो कि बहुत सही लग रही है। इसमें आप थोड़ी थोड़ी लाइटनेस भी ऐड कर सकते हो, तो लाइटन पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ रखते हैं अराउंड 20 एंड ओपेसिटी अराउंड 5, और जूम करके जहाँ पे आपको लाइट पेंट करनी है वहाँ पे आप ऐसे पेंट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेरी फोटो में यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छे से पेंट हो चुकी है। देखिए इसको करते हैं डन, एंड अब वापस से चलते हैं लाइट रूम मोबाइल के अंदर, वहाँ पे फोटो में फाइनल कलर ग्रेडिंग और वो एक इफेक्ट डालेंगे, हेज वाला इफेक्ट, मतलब वो बिल्कुल धुंध वाला इफेक्ट। तो उसके लिए फोटो करते हैं यहाँ से शेयर या फिर गैलरी में सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस लाइट रूम मोबाइल के अंदर। अब आपको सबसे पहले ना इसमें एक फेड इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना है इस वाले ऑप्शन के अंदर सिलेक्टिव टूल के अंदर। एंड आप में से बहुत से लोग बोलते हैं यार कि हमारे फोन में सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन नहीं आता है, तो भाई आपको करना क्या होगा, या तो आप लाइट रूम खरीद लो जो कि बहुत ही महंगा आता है मतलब, तो या फिर आप दूसरे बहुत तरीके हैं, गूगल पे आप सर्च कर लो, आपको फ्री में सब मिल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपली आप प्लस पे टैप करना है, एंड मैं एक यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ, और ऐसे मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मुझे लाइट चाहिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, पहले तो मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, लाइट आ चुकी है। एंड अब हम जाएंगे इसमें जो आपका डी हेज का स्लाइडर है इसको हम कम कर देंगे। सो देखिए इसको कम करने पर कितना मस्त यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल धुंध आ रही है, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ से हाथ पे ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा, एंड डन। सो देखिए यहाँ पे ऐसा इफेक्ट आने लग गया कि मतलब यहाँ से कुछ जैसे लाइट आ रही है। और अभी हम इसको और ड्रॉ करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, दोबारा चलते हैं इसमें, एंड इस बार हम ना ब्रश टूल लेते हैं और हम ऐसे कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमें लाइट चाहिए। यहाँ पे चलते हैं, इसका हम क्या करेंगे, अब इसका भी डीएज कम कर देंगे। सो सी ऐसा लग रहा है यहाँ से लाइट आ रही है, बट इसको हम थोड़ा सा ना इरेज कर देंगे नीचे की साइड से, इरेजर पे चलते हैं एंड इसका साइज बढ़ा के यहाँ से नीचे से इरेज करते हैं ताकि हल्का हल्का इफेक्ट आए और मतलब बिल्कुल ज़्यादा भी ना लगे। बहुत सही यहाँ पे लाइट का इफेक्ट आ रहा है, इसको करते हैं डन। एंड अब यहाँ पे अपनी फोटो में कलर ग्रेडिंग करते हैं, मतलब कलर टोन जो हमें डालनी है वो डालते हैं। तो इस पे चलेंगे कलर्स में, एंड यहाँ पे आपको पता होगा ये जो ऑप्शन होता है ना इसमें आप बहुत सारी कलर टोन्स अपनी फोटो में डाल सकते हो, एंड इससे पूरी फोटो की आपकी लुक बदल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शेडोज़ में आपको क्या करना है, शेडो में चलेंगे, एंड शेडो में हमें थोड़ी सी ना इसमें मतलब रेड सी टोन चाहिए, मतलब डार्क ऐसे मूडी टोन सी चाहिए। तो सबसे पहले हम सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं एंड फिर हम देखते हैं कलर कौन सा रखना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर रखते हैं, ये कलर आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा सैचुरेशन कम करते हैं, एंड ये मस्त स्किन पे भी अच्छा कलर आ रहा है और ओवरऑल फोटो में अच्छी लग रही है। इसके बाद चलते हैं हाइलाइट्स में, एंड इसके लिए भी पहले सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कौन सा कलर सही रहेगा। इसके लिए भी मैं ये सेम ही कलर रखूँगा ताकि मतलब सेम एक ही टोन में हमारी फोटो बन जाए, एंड इसका सैचुरेशन मैं थोड़ा सा कम रखूँगा। बाकी अगर आप ये सेम कलर्स कॉपी करना चाहते हैं, मतलब आप सेम वैल्यू रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए 51 जैसे लिखा हुआ है, तो आप भी अपनी फोटो में ये सेम 51 पे या 41 पे रख सकते हैं, तो आपको ये सेम कलर टोन आपकी फोटो में मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे मेरे को फोटो में ना क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो उसकी क्लैरिटी हम कम कर ले रहे हैं जो कि बहुत सही लग रहा है। इसके बाद आप चाहो तो इसमें विनियट और कम कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा मूडी टोन रखनी है, बट आई थिंक इतना सही है, इससे अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर नकली सा लगेगा। और इसके बाद फोटो में ओवरऑल हम शार्पनेस एक बार बढ़ाते हैं, फोटो हमारी बिल्कुल शार्प हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं, इसकी हम शार्पनेस को फुल कर देते हैं, एंड सी फोटो हमारी बहुत मस्त लग रही है। आप इसकी मास्किंग भी कर सकते हो, बट इस फोटो में मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही है मास्किंग की, क्योंकि फोटो काफ़ी परफेक्ट है हमारी। सो देखिए फोटो हमारी यहाँ पे बहुत आसान तरीके से एंड बहुत ही कमाल की बन चुकी है। इस टाइप की फोटो देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन इनको एडिट करना बहुत ही सिंपल होता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड ये फोटो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे को तो पर्सनली ये फोटो काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि बहुत ही अलग सी टोन है इसमें, एंड ऐसी एडिटिंग मैंने पहली बार की है। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई अपनी फोटो उठाइए इस टाइप की एंड उसको एडिट करिए डार्क फॉरेस्ट टोन में, एंड उसमें फॉग वगैरह थोड़ा सा ऐड कीजिए एंड फोटो को थोड़ा सा सिनेमैटिक टोन में बनाइए। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए, यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसी कमाल की वीडियोस में डालता ही रहता हूं, एंड मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।